जो आप ग्रुप बना के एक दूसरे से कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड स्टेप इनफैक्ट दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट यू टू डू क्योंकि कल मेरे साथ एक लड़का बात था कर रहा था चंडीगढ़ से एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग हिज नेम वॉज सम आई एम जस्ट फर्गेटिंग हिज नेम सो ही टोल्ड मी कि सर आई हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम बिहार टू चंडीगढ़ टू टेक कोचिंग फॉर एस एस बी तो आई सेट दैट्स अ वंडरफुल थिंग चंडीगढ़ हैज़ गॉट सो मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो ही टोल्ड मी ओपनली के सर मैंने देख लिया उनको कि दे टेक यू लोग लॉर्ड ऑफ मनी फ्रॉम यू बट आपको वो कुछ सिखाते नहीं हैं वो सिर्फ़ आपको एस एस बी की इंट्रोडक्शन देते हैं आई सर दिस इज़ वॉट प्रिसाइजली आई हैव हैिन टेलिंग एवरीबडी नाउ दैट आई एम हैप्पी दैट यू डन तो मैंने उसके साथ कुछ डिस्कशन किया ही हैड वन टू वन विद मी फॉर हाफ एन आर तो उसको मैंने कुछ बताया जो मैंने उसको बताया वो मैंने उसको ये बताया कि ही वॉज टेलिंग मी कि सर आप कितने पैसे चार्ज करते हैं तो मैंने उसको बोला कि ये जो मैं कैंपेन चला रहा हूँ इसमें माई फर्स्ट एफर्ट इज़ नॉट टू चार्ज एनी मनी एट ऑल और अगर आपको मेरा सिस्टम समझ में आए तो सिस्टम जो है वो मैं अभी आपको बताता हूँ फर्स्ट जो अभी मैं जो आपके साथ कर रहा हूँ दिस इज़ ऑल अनपेड जूम मीटिंग्स एंड आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आप एस के पहले समझें इसका क्या मैकेनिक्स है मैं अभी वो भी बताऊँगा तो ये जो अनपेड वाले मेरे चैनल पे कोई दस बारह वीडियोस हैं और कुछ द, दस बारह जूम मीटिंग्स हैं अगर आप इनको स्टडी करके एज 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 ए क्लास समझ के इसको देखें अपने टाइम में ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस उसके बाद मेक योर नोट्स आपके जो डाउट्स आए दिमाग में नोट्स बनाएं डाउट्स आएँ तो आप मेरे पास जूम मीटिंग में सबके सामने या इवन वन टू वन वो डाउट्स मेरे से क्लैरिफाई कर सकते हैं अगर आप ये एक्सरसाइज करें एक महीने के लिए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको पेड वाला जो हमारा प्रोग्राम है उसमें आना ही नहीं पड़ेगा दिस इज माई गारंटी इफ यू डू इट नाइन्टी परसेंट करेक्ट अदरवाइज दे विल बी अ पेड प्रोग्राम विच विल बी इन अ ग्रुप देन विल बी अ पेड प्रोग्राम विच विल बी फॉर इंडिविजुअल्स बट मेरा एंडेवर यह है जो हम मैं जिस एजेंसी के साथ काम कर रहा हूं उन्होंने अपना पेड वर्जन बनाई है मेरा एंडेवर यह है कि आपको उस पेड वाले में आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बट वो ज़रूरत इसलिए नहीं अगर पड़ेगी आपको अगर मेरा ये जो कैंपेन चल रहा है इसको आप समझें जो मैं आपको वो पंद्रह ओ एल क्यूज़ की ज़रूरत है उसको कैसे एम्बाइब करना है या अंडरस्टैंड करना है या एग्जीक्यूट करना है बाइब इज़ द बेस्ट कि आप क्वालिटीज़ ही एम्बाइब कर लो अपने अंदर अगर वो आप कर सकेंगे मेरी टेक्निक्स के हिसाब से जो मैं आप पर लगाऊंगा तो आई कैन एश्योर यू वैन यू गो फॉर एस आप सोचेंगे मैं पिकनिक के लिए आया हूँ छः दिन की और आप छः दिन में वहां से रिकमेंड होके पास होके निकलेंगे विदाउट एनी टेंशन विदाउट एनी दिस थिंग बिकॉज यू एग्जैक्टली नो वॉट इज टू हैपन और जहां पे जो होना है वहां मैंने क्या करना है आपको मालूम है तो आपको ये एस का जो एग्जाम है या चार पाँच छः दिन का जो आपका वहां पर टूर होगा वो आपको लगेगा इट्स अ पेड हॉलीडे गिवन टू यू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर उसको आप नहीं समझते हैं तो फिर मैं आपको जो एस के असली जो आ, Uh, चीज़ें हैं वो मैं आपको जब बताऊंगा तो दैट विल बी ए पेड वन एंड दैट विल बी डिफिकल्ट और उसमें एस एस बी में क्लियर uh, करने के जो चांसेज हैं परसेंटेज ऑफ चांसेज दैट विल कम डाउन सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस फर्स्ट एस्पेक्ट विच आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द नोवेंसेज ऑफ द इंटरव्यू इसमें क्या चाहिए दो फिफ्टीन क्वालिटीज़ आई टॉक अबाउट इट उनको कैसे हमने एम्बाइब करना है कैसे उसको हमने अंडरस्टैंड करना है और फिर कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है और uh, जब अपना कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं या किसी को आंसर देते हैं चाहे वो आई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो यू हैव टू स्पीक द आंसर जीटीओ आपको प्रॉब्लम देता है यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट आंसर तो वो वाले जो आंसर्स आप करेंगे तो आप अपने आप ही करेक्ट करेंगे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कैसे करना है सो ट्राई एंड मेक श्योर दैट यू टेक ऑल द वीडियोज जो वीडियोज बने हैं पर से प्लस वीडियोज फॉर द सॉफ्ट स्किल्स एंड देन दी दूम मीटिंग्स इसको आप रिवाइंड करें बार बार चलाएं समझें और जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको आप नोट करें एंड दैट शुड बी ए क्वेश्चन फ्रॉम यू टू मी सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग सेकेंडली आई विल अगेन गो बैक टू दिस फर्स्ट जो मैंने आपको बोला जो मेरा सिस्टम है जो मैं आप सबको बता रहा हूँ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट एंड दैट इज दैट एस एस बी के अंदर जो तीन मेन uh, आपके एसेस हैं दैट इज़ देअ साइकोलॉजिस्ट जो आपके माइंड को चेक कर रहा है जिसको आप साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट कहते हैं एस ए टी टी ए टी एस आर टी एस जी सेकेंड वन इज़ योर जी टी ओ जी टी ओ गिवज यू नाइन डिफरेंट टेस्ट उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स के हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं कुछ सैंड मॉडल प्रॉब्लम्स हैं कुछ डिस्कशन हैं ग्रुप डिस्कशन हैं लेक्चरट है तो वो आपसे जो करवा रहा है तो हाउ विल यू अंडरस्टैंड हाउ विल यू एग्जीक्यूट दैट दैट इज़ योर लेम्स कि आप कर कैसे रहे हो और तीसरा वाला है आईओ जो आपके मुंह से सुनता है कि आप क्या बोल रहे हो आ उसने क्या क्वेश्चन पूछा है तो ये मैंने आपको बोला था फर्स्टली एन टेक्निक और एन में बेसिकली क्या होता है कि मैंने आपको बोला था कि हम जो अपने बारे में सोचते हैं एक वो जो दुनिया हमारे बारे में सोचती है दूसरा वो और तीसरा जो एक्चुअली हम हैं तो ये जो तीन पर्सनालिटीज हैं आप आप एक इंडिविजुअल हो लेट्स से गीतांजलि राठौर इज वन पर्सन बट आपके तीन परसेप्शन हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो दैट इज वन सेट ऑफ क्वालिटीज जो दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है दैट इज सेकेंड सेट ऑफ क्वालिटीज़ एंड वॉट यू एक्चुअली आर दैट इज़ द थर्ड सेट ऑफ क्वालिटीज़ और इन तीनों में मतभेद रहता है ये तीनों सेम नहीं हो सकते पर हम ये कोशिश करते हैं इस एन टेक्निक से कि ये तीनों ऑलमोस्ट जितने आसपास एक दूसरे के आसपास आ जाएं वो उतना अच्छा होगा उतना आपके मन के अंदर जो अंतर्द्वंद होगा आपके मन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो उतना कम हो जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट कम होने से आपका जो माइंड है वो हायर एफिशिएंसी में काम करेगा आपको बेटर रिजल्ट्स देगा तो इसमें मैंने बोला था दो किस्म के कम्युनिकेशंस होते हैं एक होता है कम्युनिकेशन जो आप अपने आप से करते हो अपने आप से जब आप बोल रहे हो तो आप उस वो वाली पर्सनैलिटी ले रहे हो जो आप अपने बारे में सोचते हैं ठीक है मगर आपने ये जब दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है वो जो पर्सनैलिटी है आपकी तो उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा तो अभी आपने आज की स्टेज में जो आप, आपने अपने आप से कम्युनिकेशन करना है आपने उस पर ऑलरेडी जीत हासिल कर ली है यू ऑलरेडी कॉन्क्रीट दैट कम्युनिकेशन बिकॉज यू डिसाइडेड कि मेरे को आर्म फोर्सेज में जाना है और उसके लिए मेरे को रिटर्न टेस्ट क्लियर करना है उसका तैयारी करने का तरीका ये है और दूसरा मुझे मेरे को एस एस क्लियर करनी है उसका तरीका ये है सो दैट डिसीजन मेकिंग आपने ऑलरेडी कर ली है सो दैट मीन्स जो आपका कम्युनिकेशन विद योर ओन सेल्फ था वो ऑलरेडी हो चुका नो यू हैव टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड अब आउटसाइड वर्ल्ड में वो जो एस एस बी के बोर्ड के अंदर तीन आदमी बैठे हुए हैं आई ओ जी टी ओ एंड साइकोलॉजिस्ट वो आपको आकर देख रहे हैं कि आप क्या हो दैट इज अ सेकेंड पर्सनैलिटी जो मैंने बोला था तो उसमें वो डिसाइड करेंगे कि भाई आप फिट हो आर्मी जाने के लिए या आप फिट नहीं हो तो अभी जो सेकेंड सेट है जो ये तीन आदमी मिलकर डिसाइड करेंगे आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं आपने उस क्वालिटीज को अपने जो ओरिजिनल क्वालिटी है उसके बराबर लाना है तो बराबर लाने के लिए अभी मैंने कह रही है तो बड़ा लंबा सब्जेक्ट है बड़ी सारी चीज़ें आती हैं बट अभी का जो हमारा फोकस है जो हमारा एक वन लाइन एजेंडा है दैट इज़ टू क्लियर दी एस तो हम देखेंगे कि वो ये तीन आदमी एस में कौन सी क्वालिटीज़ को ढूंढ रहे हैं तो जो ये हमारी पर्सनैलिटी के बारे में असेसमेंट करते हैं उसमें वो पंद्रह क्वालिटीज़ आनी चाहिए जब ये अपनी असेसमेंट करें या अपना रिजल्ट निकालें तो ये कहने चाहिए कि यस दिस इज अ गर्ल कॉल्ड गीतांजलि राठौर और दिस इज अ गर्ल अस्प्रिया और नवदीप और निशांत और वर्षा इनमें ये 15 क्वालिटीज़ हैं दैट मीन्स क्लियर फॉर द आर्मी तो दैट इज आवर गोल नाउ द पॉइंट इज कि आपने डिसीजन कर लिया और वो लोग असेसमेंट करने के लिए भी तैयार हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ आपके माइंड में आई सबसे पहले आपके माइंड में आया फियर कि मैं कर पाऊंगा अपने बारे में डाउट सेल्फ डाउट कैन आई डू इट विल आई बी एबल टू कम अप टू दिस कल मैंने आपको uh, बताया था कि फियर कैसे आता है मैंने आपको डॉक्टर साहब का एग्जाम्पल दिया था अब डॉक्टर साहब चूँकि पाँच दिन पुराना सिविल से आर्मी में पहले पाँच दिन क्योंकि सर्विस थी तो उन्होंने ना वो ट्रेन देखा हुआ था जो बड़ा मुश्किल था पहाड़ियाँ चढ़नी है जंगलों में जाना है नाले हैं ऊपर से उन्होंने कभी गोली भी चलती नहीं देखी तो आज वो गोली के सामने जा रहे थे तो उनके डर में था फिर उनको ये भी मालूम नहीं था कि अगर गोली चले अगर अगर आदमी ज़ख्मी होता है तो उसके बाद क्या होगा उनको ये नहीं पता था कि भाई अगर जख्मी कोई हो जाता है तो वहां से हेलीकॉप्टर उठा के इमीडिएटली लेके जाएगा हॉस्पिटल में तो वहाँ पे बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वेट करने तो उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं मालूम थी इसलिए उनके मन में फियर था पर जैसे ही उन्होंने वहां जाके देखा पहला ट्रेन में गए उन्होंने बोला ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मैं तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास अगर बाकी लोग चल रहे हैं मैं भी चल रहा हूँ तो आई कैन ऑल्सो डू इट सो उनका पहला फेयर उड़ गया दूसरा जब वो सामने गोलियां चल के आई तो जैसे बाकी लोग आर्ट ले रहे थे कवर ले रहे थे और उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी इन्होंने भी पहनी थी बुलेट प्रूफ पटका पहना था इन्होंने भी पहना था सबके पास राइफलें थी इनके पास भी ए के फोर्टी सेवन थी अगर दुश्मन की गोली इनके पास आ रही थी तो ये भी गोली चला सकते हैं तब उन्होंने बोला भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी फियर रिमूव हो गया फिर उन्होंने देखा बहुत सारा खून था जो जिस जवान को गोली लगी थी तो उनको डर लगा अब खून को देखते देखते वो यूज टू हो गए फिर उसके बाद उन्होंने देखा हेलीकॉप्टर आया तो इस पूरे प्रक्रिया में डॉक्टर साहब जो पहले जिस चीज़ को नहीं जानते थे अब वो जान गए और जब वो जान गए तो उस उस जो पहला फियर था कि भाई मैं फिजिकली कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा दूसरा फियर था गोली आएगी तो मुझे लगेगी तो क्या होगा वो निकल गया तीसरा फियर था भाई अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ चौथा था कि अगर मुझे गोली लग भी गई कुछ गड़बड़ हो भी गई तो मेरे को हेलीकॉप्टर उठा कर अस्पताल ले जाएगा तो ये फेयर निकल गए इसका मतलब हो गया कि उनको उस पूरे जो उसका पूरा प्रोसेस था उससे फेमिलियरिटी होगी जब वो फेमिलियरिटी होगी तो मन से डर निकल गया फिर मैंने एक आपको एग्जाम्पल और भी दिया था मैं उसको फिर दोहराऊंगा अगर मान लो आपने बाइक चलानी सीखी थी या साइकिल चलाना सीखा था पहली बार जब कर रहे थे तो आप डर डर के देख रहे थे भाई गिर ना जाए बैलेंस ना बिगड़ जाए तो ब्रेक कहाँ पे है देखना है या उसका स्टार्ट स्विच कहाँ है इंडिकेटर कहाँ है देख देख के कर रहे थे पर आज की डेट में जब आप चलाते हो तो देखते नहीं हो ना उस दिन आपको डर लगा था जिस दिन वो डर निकल गया कि भाई इंडिकेटर भी, भी पता है कहाँ पर है ब्रेक भी पता है कहाँ पर है क्लच भी पता है कहाँ पर है गियर भी पता है कहाँ पे है तो मैं तो चला ही सकता हूँ तो आज आप गाड़ी चलाते हो तो देख के थोड़ी करते हो आप देखते हो तो सड़क पर सामने हो आपके हाथ जो हैं उनको पता है कहां पे कौन सी चीज है और वहां पे वो सही जाते हैं आपके पांव हैं वो कहाँ है वो कहां जाते हैं तो इस तरीके से जब आप उस प्रोसेस में फेमिलराइज कर लेते हैं तो आपके मन में डर निकल जाता है एक आपको मैं एक और कहानी सुनाता हूं कहानियां सुनने चाहते हो यस नो ओके ट्राई एंड अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज़ कि जब आप एक चीज़ के बारे को जानते नहीं हो वो आपके सामने अननोन है तब आपको डर लगता है और डर लगने से क्या होता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी जो है वो उसकी एफिशिएंसी परसेंटेज कम हो जाती है जब डर निकल जाता है जैसे आपने स्विमिंग करनी थी अगर आपको बोला जाए भाई आप जंप मार दीजिए समुंद्र में तो आप डरेंगे ना जंप नहीं मारेंगे स्विमिंग तो आती नहीं बट स्विमिंग पूल में जाके आपको मालूम है कि अगर यहाँ पे डूबने की कोई नौबत आई भी तो यहाँ लाइफ गार्ड है यहाँ मुझे कुछ नहीं हो सकता यहाँ लोग मुझे बचाने वाले हैं तो आप जंप मार देते हो और विद ए नेक्स्ट टू थ्री फोर मिनट्स में यू स्टार्ट स्विमिंग और एक बार ही आप स्विमिंग शुरू कर देते हो देन देर आफ्टर यू कैन जंप इन टू ओशन एनी स्ट्रीम एनी विलेज आई मीन एनी, एनी रिवर कहीं पर भी जा सकते हो तो सिमिलरली है तो अभी एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको कि एक बहुत अच्छे बड़े बिजनेसमैन थे उनकी फैक्ट्री फेल हो गई अभी चलो कोरोना की वजह से फेल हो गई अब उनको डर लगा कि क्या करें पैसे हैं नहीं अब आपकी उनके जो सारी टीम है उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको छोड़ के जा रहे हैं तो अब वो क्या करें तो बड़े परेशान थे नेचुरली कि कल मैं ऑफिस जाऊंगा पता नहीं मेरी फैक्ट्री में मजदूर आएंगे या वर्कर्स आएंगे प्रोडक्शन होगी नहीं होगी और प्रोडक्शन होगी तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल के लिए मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए मैं क्या करूंगा मेरा तो इतना सारा लॉस हो गया है अब ना रॉ मटेरियल के लिए पैसे हैं ना अपनी सैलरीज़ के लिए पैसे हैं एंड ना मेरी मार्केटिंग के लिए जो जिन लोगों से मैंने उधार ले रखा है उनको वापस करने के लिए पैसे नहीं हैं सो मुझे वो मटेरियल नहीं देंगे तो इस किस्म की सारी प्रॉब्लम लेकर के वो क्या कर रहे थे उन्होंने बोला कि चलो अब यार कहीं आराम से बैठते हैं सोचते हैं क्या होता है तो शाम को एक वो पार्क में जाके बैठ गए और बहुत दुखी सोच रहे हैं क्या करूं जिंदगी में आत्महत्या कर लूं या फैक्ट्री बंद कर दूं या ये कर लूं यू नो ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स उनके माइंड में आ रहे थे तो सडनली दे फाइंड कि एक बंदा वेल ड्रेस बंदा एक वाइट्स में शर्ट और पैंट में चला रहा है तो नेचुरली पार्क में बहुत सारे लोग आते हैं तो यहाँ भी ये यह भी कोई वॉक करने के लिए आए होंगे तो इनकी नज़रें मिली तो मे भी तो जो दूसरा आदमी था उसने रियलाइज़ किया कि ये जो सज्जन है ये थोड़ी सी मुश्किल में है इनमें कुछ प्रॉब्लम आ रखी है तो आउट ऑफ कर्ट हेलो हाउ आर यू करके कि आप बड़े परेशान लग रहे हैं कैन आई हेल्प यू तो इन्होंने बोला परेशानी की बात तो है थोड़ी बहुत औपचारिक जो कस्टमरी ग्रीटिंग्स हुई तो इन्होंने फिर बोल के बताओ उनको उसको अपनी प्रॉब्लम बता ही दी भाई तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि आई सफर्ड ह्यूज लॉसेस आई डो नॉट हैव एनी कैश मेरे पास पैसा नहीं है और कल मुझे पता नहीं ना मेरे पास रॉ मटेरियल है ना मेरे वर्कर्स को देने के लिए सैलरी है कल पता नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे तो मुझे नहीं पता क्या क्या होगा मैं तो सड़क पे आ गया हूँ तो वो जो सज्जन थे आए थे उन्होंने बोला आप चिंता मत करिए अगर आपकी प्रॉब्लम इज ओनली मनी तो वेल आई विल गिव यू मनी मैं आपको एक दस करोड़ का एक चेक देता हूँ आप इसको जाइए कल बैंक से आप पैसा निकलवाइए और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए बट शर्त ये है कि एक साल का लोन है ये आफ्टर वन ईयर आपने मुझे यहीं मिलना है और मुझे ये मेरे पैसे वापस करने हैं अगर आप इस बात को मानते हो तो मैं आपको दस करोड़ का एक चेक देता हूँ तो ये बेचारे क्या करते उनको लगा कि ये गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है भगवान ने भेजा है शायद मेरी मदद करने के लिए ये कोई मसीहा हैं कोई अवतार हैं कोई कृष्ण भगवान हैं जो मेरी इस मुसीब मुसीबत में पड़ा हुआ था मुझे निकालने के लिए आ गए हैं तो इन्होंने हाँग कर दी तो उस सज्जन ने इनको बोला कि अपनी जेब से चेकबुक निकाली और दस करोड़ का एक चेक बनाया और इनको बोला आप जाइए अब इनके हाथ में वो दस करोड़ का चेक आ गया तो ये बड़े खुश हो गए कि अब मेरे को एटलीस्ट आई विल नॉट बी अ फेलियर एंड आई एम कॉन्फिडेंट नो देट आई हैव मनी तो मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा अभी मेरे दिल में जो डर था कि मेरे पास पैसा नहीं है मगर मैं कर लूँगा तो इन्होंने रात भर बैठ के अपना जो मेंटल एनालिसिस करना था पूरा आ, किया उसको देखा क्या है सारी चीज़ों को फिर से रिफ्रेम किया और एक प्लान बना लिया इन्होंने और वो प्लान सुबह सुबह उठ के वह नौ बजे अपने ऑफिस में पहुंचे फैक्ट्री में और सारे वर्कर्स को जो भी हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स थे जो भी की फंक्शनरीज थे उन सबको अपने ऑफिस में बुला लिया तो अभी बैंक तो खुला नहीं था तो चेक का उन्होंने निकाल के अपने लॉकर में रख दिया और अपने टीम के साथ डिस्कशन शुरू कर दी बेस्ड ऑन जो उन्होंने कल रात को प्रोग्राम बनाया था प्लान बनाया था जो उनको उन्होंने बनाया था जब उनके दिल में फियर निकला था क्योंकि उस सज्जन ने उनको दस करोड़ का चेक दिया था अंडरस्टैंडिंग तो वो जो प्लान उन्होंने रात भर बैठ के बनाया कि मेरे इस प्लान में ये इनके छोटे छोटे फेजेज़ होंगे छोटे छोटे भाग होंगे उस भाग में को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसमें कौन कौन आदमी इन्वॉल्व है तो वो सारी इंस्ट्रक्शन देते हुए वो बैठे बैठे मीटिंग में सारा दिन निकल गया और वो जो उन्होंने चेक रखा था लॉकर के अंदर वो लॉकर के अंदर ही रह गया तो उन्होंने बोला ओहो मैं तो भूल गया इसको तो मैंने आज बैंक में डालना था तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं इसको हम कल बैंक में डालेंगे और अपनी जो टीम थी जो उनको उन्होंने मोटिवेट किया या उनको फ्रेश प्लान बताया उनको बोला आप अपना काम शुरू कर दीजिए तो उस टीम ने रातों रात काम शुरू कर दिया अगले दिन जब आए तो सुबह फिर मीटिंग थी कि भाई हमने जो आज काम किया है उसको रिव्यू करना है तो रिव्यू की फिर मीटिंग शुरू होगी तो रिव्यू मीटिंग में फिर वो देखते गए कहाँ पे कमी थी कहाँ ज़्यादा था कहाँ कम था करते करते एक दिन दो दिन तीन दिन छः दिन सात दिन रोज का सिस्टम था कि रात भर उन्होंने काम करना है सुबह आके रिव्यू मीटिंग करनी है और रिव्यू मीटिंग में वो लोग इतने इनग्रॉस हो जाते थे कि उनको भूल ही गया कि वो चेक तो लॉकर में ही पड़ा रह गया और इस तरीके से उनका जो काम था वो शुरू हो गया तो उसमें से कुछ जो रेवेन्यू था वो भी आना शुरू हो गया कुछ ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए कुछ लोगों का पैसा आना शुरू हो गया और वो पैसा बढ़ता बढ़ाता बढ़ाता चलता गया और जो अगर वो पहले उनकी कंपनी सौ करोड़ की थी अब वो विद इन नाइन टेन मंथ्स में वो कंपनी हज़ार करोड़ की होगी और वो जो दस करोड़ का चेक उन्होंने लेकर रखा था अपने लॉकर के अंदर वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा उसके बारे में भूल ही गए वो तो अल्टीमेटली एक दिन उनको याद आया कि भाई मैं तो इतना बड़ा कर लिया है तो भाई ये तो तभी पॉसिबल हुआ कि वो सज्जन मुझे शाम को पार्क में मिले थे और उन्होंने मुझे चेक दिया था पर हमने चेक का तो इस्तेमाल किया ही नहीं बट हमारी कंपनी तो बहुत ऊँची चढ़ गई तो इनके मन में उन सज्जन के लिए बहुत इज्जत आ गई कि देखो इस आदमी ने मुझे कितनी हेल्प करी और उसकी वजह से मैं हालांकि मैंने उसका पैसा नहीं इस्तेमाल किया पर फिर भी मैं उसके इनक्रेजिंग थाट्स के साथ उसके एक चेक के साथ जो मेरे लिए एक एक, एक रामवाण सिद्ध हुआ और उसकी वजह से मैं इतना बढ़िया कर सका हुआ आज आज हमने हमारी कंपनी पहले से भी दस गुना आगे निकल गई है तो मुझे उन सजन के जाके हाथ जोड़ने चाहिए उनके पाँव पड़ने चाहिए और उनको धन्यवाद बोल के उनका चेक वापस करना चाहिए तो इस थॉट के साथ वो शाम को जाते हैं उस पार्क में और बैठे उन सज्जन का इंतजार करते हैं तो सडनली वो देखते हैं वही सजन उसी वाइट ड्रेस में फिर दोबारा आ रहे हैं तो ये उठ के खड़े हो जाते हैं क्यों बोलते हैं भाई इस इनके तो मैं पाँव पढ़ूँगा जाके पाँव में छलांग मारूंगा इनके पाँव पढ़ूंगा उनको इनका धन्यवाद करूंगा इनको बोलूंगा मैं आप आइए आप मेरे चीफ गेस्ट बनिए मेरी कंपनी के आप पेटर्न बनिए आप मेरे भगवान हैं तो ये सब थाट्स में जब वो उन सज्जन की तरफ बढ़े तो सडनली उनको तो उन्होंने देखा उन सज्जन के पीछे चार पाँच बंदे वो भी वाइट ड्रेस में ही थे वो भागते हुए आ, आ रहे थे और बोल रहे थे पकड़ो 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 ये पकड़ो तो उन्होंने जाके उन चार आदमियों ने आगे इन सज्जन को पकड़ लिया जैसे एक पुलिस वाला किसी चोर को पकड़ता है तो इन्होंने बोला भाई ये क्या हो रहा है छोड़ो इनको ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं बोला सर ये अच्छे आदमी नहीं है ये पागलखाना से भागा हुआ एक आदमी है जो रोज भाग जाता है और रोज हम इसको पकड़ के वापस लाते हैं और ये अपने आप को धीरू भाई अंबानी कहता है और सबको चेक अपना चेक काट काट के चेक फाड़ता पड़ता है ये चेक जो उसने आपको दिया है वो भी एक जाली चेक है तो समझ रहे हैं तो उन्होंने बोला हो अब इस कहानी का मतलब क्या हुआ वो चेक में वैसे भी पैसे नहीं थे वो अगर बैंक में जाता तो बाउंस हो जाता मगर वो किसी वजह से बैंक में नहीं गया मगर इन इन सज्जन के जो फैक्ट्री के ओनर थे इनके दिमाग में जो डर था कि मेरे पास पैसा मेरा खत्म हो गया है वो डर उसने निकाल दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी जो नए विगर के साथ तैयारी शुरू की तो फाइनली ही मेड हिज फैक्ट्री टेन टाइम्स बेगर देन वॉट इट वॉज अर्लियर सो अल्टीमेटली इट वॉज द फियर इन हिज माइंड फियर ऑफ लूजिंग मनी फियर ऑफ नॉट हैविंग मनी जो सारा काम कर रहा था इसी तरह से आप लोगों के मन में भी फियर है आपका फर्स्ट डिसीजन है कि मेरे को एस करनी है मगर आपके ऊपर ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन आपके ऊपर अपने माइंड के फियर कि मैं कैसे करूँगा कैसे करूँगा और ये सिर्फ इसलिए कि आपके पास वो डॉक्टर साहब वाला फेयर था आप, आपने उस, 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 उस इलाके को फ्रीक्वेंट नहीं किया है उस जो प्रोसेस को आपने देखा नहीं है तो यह फियर ऑफ अनोन है और ये जो फियर ऑफ टेन लैक्स टेन करोड़ का चेक दिया था वो चेक मैं मैं आपको दूंगा और वो डॉक्टर साहब वाला जो फियर है जो आपने उस टेरिटरी के ऊपर ट्रेड करके चलना है वो आपने करना है जिस दिन वो टेरिटरी के ऊपर आप ट्रेड करोगे आगे आगे चलोगे ऑटोमेटिकली आपका फियर दूर हो जाएगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब आप जाओगे ना एस में तो वहाँ पर आपको लगेगा कि आप पिकनिक के लिए आए हो आप लोगों से मिलने के लिए आए हो दस बारह पचास लोग आपके आसपास हैं दस बारह आपके दोस्त बन जाएंगे आपके हम और उसके बाद कुछ एसएसबी वाले ऑफिशियल्स होंगे आईओ, जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट फिर कुछ सपोर्ट स्टाफ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एस एस बी का प्रेजिडेंट वो आपसे अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से बातचीत करेंगे आपका रिस्पॉन्स देखेंगे और आपको लगेगा कि आप तो गेस्ट आए हो खाना खिला रहे हैं आपको घुमा रहे हैं आपको घूमने के लिए बता रहे हैं आपको डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं आप उन एक्टिविटीज़ को करते चलेंगे बिना किसी फेयर के और क्योंकि आपने आपको पता होगा कि वहां पे यह होने वाला है और जब यह होगा तो मुझे इस तरीके से सोच के बोलना है तो आपको डर भी नहीं लगेगा कोई आपके माइंड में एंजाइटी नहीं रहेगी आपके माइंड आपके अंदर पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर कोई फेयर नहीं होगा एंड यू विल डेफिनेटली मेक इट क्वेश्चन चलो आप पूछे क्वेश्चन अपना अनम्यूट करो माइक और पूछो Before I nominate you, come on, it's a group discussion. Sir, ah, bold. sir as you had said, that uh, it's an unfamiliar situation. Of course, there will be some unfamiliar situation like GDO, suppose. If I am not able to do a task, if I am not generating the ideas, then in that situation, how can I?

कि जो मैं आपको भी पंद्रह ओ एल क्यूज की बात कर रहा हूँ आप मैं आगे नहीं बढ़ रहा टी ए टी के आगे इसीलिए नहीं बढ़ रहा जिस दिन आपको ये फिफ्टीन क्वालिटीज़ के बारे में समझ आ जाएगी उसके बारे में जो मर्जी सिचुएशन आपको जी टी ओ दे 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 या आई ओ दे, दे या साइकोलॉजिस्ट दे दे यू विल बी एबल टू जनरेट दैट थाट ऑटोमेटिकली आज आपके माइंड में वो फियर है कि वो आपके पास दस करोड़ का चेक का फियर है कि मेरे पास नहीं है दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन इज जनरेटेड अगर वो दस करोड़ का चेक जिस दिन मैं आपके हाथ में दे दूंगा और वो दस करोड़ का चेक ये पंद्रह क्वालिटीज़ हैं जिस दिन आप इस पंद्रह क्वालिटीज़ को मास्टर कर लोगे मैं चाहता हूं कि अगले दस पंद्रह दिन के अंदर आप इसको मास्टर कर लें तो वो ये पंद्रह क्वालिटीज को दस करोड़ का चेक समझो उसके बाद जब आप अपना प्लानिंग शुरू करोगे चाहे वो जी हो, हो चाहे आई हो, हो या साइकोलॉजिस्ट हो वो आपको कोई भी आपको डिगा नहीं सकता नितिन हैव यू अंडरस्टूड ओके सर स्ट में क्वेश्चन कि मैं उस वक्त क्या करूंगा कैसे जवाब दूंगा तो वो जवाब आप दोगे आज क्यों नहीं जवाब दे पा रहे क्योंकि आपके अंदर फियर है ये फियर है कि मैं क्या करूंगा तो वैनिक ये फियर है कि मेरे पास पैसे नहीं है फैक्ट्री चलाने के लिए बट जिस वक्त मैं आपको दस करोड़ का चेक दूंगा तो आपका ये फियर खत्म हो जाएगा और दस करोड़ का चेक है ये पंद्रह क्वालिटीज ओ एल क्यूज़ की तो ये उसने दस करोड़ का चेक दिया था मैं आपको पंद्रह करोड़ का चेक दूंगा हर क्वालिटी की वैल्यू एक एक करोड़ रुपया लगाई है चेक ओके गीतांजलि वक्शन दूसरा किसी ने मुझे सवाल पूछा कि सर मेरी इंग्लिश बड़ी प्यर है मैं बोल नहीं पा रहा हूं जैसे आप लोग भी बोल नहीं पा रहे सो वॉट डू यू डू अब इसे इंग्लिश स्पीकिंग मुझे नहीं आती है और आपको फियर क्या है फियर है कि जब मैं तू तो किसी के सामने बोलूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे बोलेंगे इसको यह भी नहीं आता यही फियर है

And everything falls in place. Absolutely, but this will fall into place only when you get that 15 crore check from me. जब ये 15 crore का चेक मेरे जो मैं आपको दे रहा हूँ जब ये डाल आपने जेब में डालोगे या अपने दिमाग में डालोगे तो जब वो जी टी ओ कोई आईओ हो कोई भी आए जो आपसे बोलेगा भाई हमने ये कार्रवाई करनी है तो आप बोलोगे ठीक है सर हम करेंगे और करने जाओगे तो वो पंद्रह क्वालिटीज लगाओगे जो मैंने पंद्रह करोड़ आपको दिए हैं अभी इंग्लिश स्पीकिंग हम बात कर रहे थे तो इसमें भी जो फियर क्या है फियर है कि लोग मेरे पे हंसेंगे बोलेंगे इसको आता नहीं है ये कहाँ से आ गया गाँव का भैया ये कहाँ से आ गया पता नहीं कौन हम तो मॉडर्न स्कूल के पढ़े हुए हैं हम तो सेंट स्टीफन्स के हैं हम तो अमेरिका uh, से आए हैं हम तो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं यही बात है ना तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है उसमें वो पंद्रह करोड़ का जो चेक है वो मैं आपको अभी एक नाम आज नहीं दूंगा यू फाइंड आउट समबडी वेरी वेरी फेमस एंड बहुत बड़ी एक हस्ती हैं वो क्या कहते हैं कि मैं मुझे भी अंग्रेजी नहीं आती थी और मैं एक बहुत बड़े कॉपरेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में था टू बिगिन विद तो वो कहते थे कि मैं मेरे पास मोबाइल था लैपटॉप था तो लैपटॉप के अंदर मैं यूट्यूब चलाता था और उसमें लेसन ढूंढता था कि एक लेसन उन्होंने एग्जाम्पल मुझे कल दिया था हाउ टू यूज़ डू डज एंड डिड नॉट डू डज डिड नॉट हाउ वे टू यूज़ दिस वर्ड्स तो उन्होंने बोला एक मीटिंग के पहले मैंने ये जाकर के अलग बैठा अपना लैपटॉप खोला सुना कि अब मैं जब मीटिंग में बोलूँगा तो अगर मुझे ये लफ्ज़ यूज़ करने हैं डू का इस्तेमाल करना है डज का इस्तेमाल करना है और डिड नॉट का इस्तेमाल करना है तो कहाँ करना है तो वो सीखना चाहते थे तो उन्होंने सीखा बट सुना लैपटॉप बंद करके आए तो जब उन्होंने लैपटॉप खोला अपनी प्रेजेंटेशन के लिए मीटिंग के अंदर तो अनफॉर्चुनेटली वो जो यूट्यूब पहले चल रही थी ना वही दोबारा चल पड़ी तो सारी दुनिया को पता चल गया भाई ये तो ये करते हैं तो उनको लगा पहले तो वो बड़े उनको बड़ा बुरा लगा कि देखो भाई लोगों को पता चलेगा मुझे अंग्रेजी नहीं आती और मैं यूट्यूब से अंग्रेजी सीखता हूं तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे तो लोग थोड़े स्माइल किए जो उनके कॉन्फ्रेंस में बैठे थे बट जब इन्होंने इनके दिल से डर निकल गया कि ठीक है यार पता है तो पता है बोल दिया हाँ भाई मुझे अंग्रेजी नहीं आती मैं अपनी अंग्रेजी इंप्रूव कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर देखता हूं हाउ टू यूज द वर्ड्स डू डेट नॉट आज मैं वो देख रहा था वो चलता रह गया तो वो दिल से डर निकल गया अब किससे डरना है तो इस तरह से डर निकाल के आप सीखते चले जाओगे फियर को बाहर निकाल के अब यहां पे पंद्रह करोड़ का चेक कौन था वो यूट्यूब का जो एक कोई कोई भी प्लेलिस्ट थी जिसमें वो अंग्रेजी सिखाते थे वैसे आप भी ढूंढ लो कोई तो इंग्लिश सीखने में क्या प्रॉब्लम है और मैं तो आपको बड़ी छोटी सी बात बताता हूं इंग्लिश सीखने के लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात ही नहीं है आप खुद लो बोलना शुरू कर दो इन फ्रंट ऑफ योर मिरर आप आप खुद को बोलते हुए देखोगे आप मिरर के सामने तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा बोल रहा हूं खराब बोल रहा हूं और अगर खराब बोल रहा हूं इसको कैसे इंप्रूव करना ये ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा एंड वेरी फैक्ट डेड यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको फिर लोगों के सामने भी बोलना आ जाएगा तो हैव आई मेड दिस पॉइंट ऑफ फियर क्लियर इन योर माइंड फेयर और वो पंद्रह करोड़ का चेक तो ऑल ऑफ यू विल राइट ऑल ऑफ यू विल राइट टेन लाइन ऑन वै जस्ट सेड एंड ऑन द पोस्टेड ऑन द ग्रुप इज क्लियर अभी आप अपने टाइम टाइम पे आपने ताँगे, अपने टाइम में बैठ के इसको लिखेंगे जो कुछ आपने समझा है मैं अगर चा, मैं चाहता कि आप इसके नोट्स बनाते हैं तो मगर पता नहीं आपने नोट्स बनाए कि नहीं बनाए अच्छा एक ये भी एक और बहुत जरूरी पॉइंट है नाउ दिस इज आल्सो 15 ओ में आएगा मैं आपको नॉर्मली बोलता हूँ कि जनरल नॉलेज बनाने के लिए आप टेलीविजन देखिए न्यूज़पेपर पढ़िए मैगजीन्स पढ़िए पर साथ में अपने साथ एक स्क्रैप बुक भी रखिए जो भी पॉइंट आपने देखा आपने सुना उसको आप लिखिए और ये इस लिखे लिखे हुए पॉइंट्स को थोड़े थोड़े इवेंट के टाइम के बाद रिव्यू करिए इससे क्या होगा कि ये आपकी प्रेपरेशन है अगर मैं आप आज आपको बोलता हूं कि एस एस की जनरल नॉलेज में मेरे पास कोई 50 पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हैं 50-50 पेज के है ना अवेलेबल मार्केट में नेट के ऊपर yes, तो विल यू बी एबल टू रीड ऑल ऑफ देम बट बट अगर आपने अपने छोटे छोटे नोट्स बनाए होंगे मे बी पांच पेज के दस पेज के और वो अपने हाथ से लिखे होंगे आपको उनको पढ़ने में आधा घंटा लगेगा yes, और वो आपके इज yes, एंडेड और वो सारे के सारे आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे और मैंने आपको बोला था इंटरव्यूइंग ऑफिसर जब सवाल पूछ रहा है वो आपसे नासा के रॉकेट का वो फॉर्मूला नहीं मांग रहा जो शायद किसी पर टॉप साइंटिस्ट को ही पता हो वो तो आपसे तो छोटी छोटी बातें पूछ रहा है कि भाई कौन सा रॉकेट इस वक्त स्पेस में गया है आप बोलोगे हमारा तो चंद्रयान उतरने वाला था लास्ट मोमेंट में कुछ गड़बड़ होगी फेलियर हो गया अदरवाइज इंडिया वे लैंडेड ऑन द मून पर उस वो किस फॉर्मूले से गया क्या रॉकेट फ्यूल यूज कर रहा था उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी लगी थी वो नहीं पूछ रहा आपसे वो वो सिर्फ आपसे इतना ही पूछ रहा है कि भैया इंडिया ट्राइड लैंडिंग ऑन द मून फेल्ड एट द लास्ट टू मीटर्स रह गए थे जब उसका वो लैंड करने वाला था तो समथिंग वेंट रॉन्ग कम्युनिकेशन टूट गया इतना बताना काफ़ी है सो योर यू डोंट हैव टू नीड रीड दैट ट्वेंटी फाइव पेज डॉक्यूमेंट ऑन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड उसमें सारा घोटा नहीं लगाना आपने वो जिस दिन आप आई का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे अगर आपको मान लो कोई उस किस्म का कोई फिजिक्स का पेपर होगा या रॉकेट साइंस पे, पे पेपर होगा वहाँ पे लिखना पड़ेगा जहाँ पे आपको एम डिग्री लेनी है बी डिग्री लेनी है वहाँ पे जरूरत पड़ेगी बट यहाँ पे जो इंटेलिजेंस ऑफिसर सॉरी इंटरव्यूइंग ऑफिसर का सवाल है ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन आस्किंग दोज डिफिकल्ट क्वेश्चन और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उसको खुद भी नहीं मालूम होगा वो सिर्फ आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आपको पता है कि इंडिया सेंटर एक मंगलयान भेजा एक ओके okay, मैं आपको वो बोल रहा था कि ये जो एन एल टेक्निक्स में यूज कर रहा हूँ इसमें अभी मैं आपको फेयर निकालने के लिए एक पंद्रह करोड़ का चेक दूंगा विच विल बी फिफ्टीन ओ एल क्यू क्वालिटीज एंड सेकेंडली दैट फियर कि लोग क्या कहेंगे लोग कैन से वॉट दे लाइक क्यों क्योंकि इस दुनिया में क्या है जो जीता वही सिकंदर जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं एवरीबडी इज़ आउट एंड आउट टू पुल यू डाउन वो आपका मजाक भी उड़ाते हैं आपके रास्ते में रुकावटें भी पैदा करते हैं दे ट्राई टू पुल यू डाउन इन ए ऑल पॉसिबल वेज बट वंस यू बिकम अ सक्सेस देन दे ऑल स्टार्ट वर्शिपिंग यू एग्ज़ाम्पल शाहरुख खान एक टाइम था जब उसके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे उसकी अपनी ज़ुबानी शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक दिन वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे बॉम्बे में स्टैंडिंग आउटसाइड दी होटल नारेमन पॉइंट पे फाइव स्टार होटल है मुझे नाम भूल रहा है और उसके बाद वो समुंदर की तरफ देख रहे थे और उस दिन उनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने उस समुंदर को देख के अपने आप से एक वादा किया कि एक दिन इस पूरे शहर का मैं बादशाह बनूंगा और वो आज बादशाह बन चुके हैं पर जिस दिन उनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे कोई उनको कोई पैसे खाना खिलाने को तैयार नहीं था तो उसके बाद जो भी इवेंट्स हुए जिसकी वजह से आज वो बादशाह हैं आज सब उनकी एक झलक देखने के लिए तरसते हैं तो ये भी एक दुनिया का दस्तूर है आज आपको अंग्रेज़ी नहीं आती आपको डू डज और डिड नॉट का जो यूसेज है अंग्रेज़ी में समझ में नहीं आया है आप लोग हंसेंगे आपके माइंड में फियर है आप डरते हैं मगर आपको ये समझ में नहीं आती कि अगर लोग हंस भी गए तो क्या होगा अगर वो हंस गए तो आपकी बेजती नहीं होगी बल्कि उल्टे जब आपने वो डू डज और डेड नॉट का इस्तेमाल करना सीख लिया और आपने अच्छी अंग्रेज़ी बोलनी शुरू कर दी तो यही आदमी आपके पास आके हाथ जोड़ के बोलेंगे कि गीतांजलि निशांत नंदनी अस्प्रिया हमको भी अंग्रेजी बोलनी सिखाइए आपने कैसे किया यही आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों के जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो सब यही पूछते हैं सर आपकी सक्सेस का राज क्या है पूछते हैं ना तो ये सवाल वो आपसे भी पूछेंगे कि नाउ दैट यू आर एन ऑफिसर हाउ डिड यू सक्सीड इन एसएसबी? आपने क्या किया यू बिकम अ इंस्टेंट हीरो तो ये दुनिया का दस्तूर है और अगर ये मैकेनिक्स आपकी समझ में आ जाता है तो देन देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल यू विल डेफिनेटली गोन बिकम अ सेलिब्रिटी तो वो बात समझ लीजिए और फेयर निकाल दीजिए और ये पंद्रह करोड़ का जो ओ एल की उसका चेक है ये आप अपने माइंड में उसको अंदर लेने की कोशिश करिए ये आपके सामने पड़ा हुआ है एक एक करोड़ की क्वालिटी आप निकाल के अगर अपने आप में डालते चले जाएंगे जिस दिन ये 15 करोड़ आपके पास आ गए उस दिन आप एस में सिर्फ एक्सकर्शन के लिए जाएंगे एंड यू विल बी सिलेक्टेड ऑल्सो इज दैट पॉइंट अंडरस्टूड ओके सो देर आफ्टर नाउ वॉट नेक्स्ट थिंग अगर मैंने आपको ये जो इनिशियल डिस्कोर्स समझा दिया है हमने बोला था आप ग्रुप्स बनाइए पहले आपने अपना एक वाट्सएप ग्रुप बड़ा बनाया उसमें मैंने बड़ी कोशिश की आपको बताने की कि देखो आप अपना एक ग्रुप बनाइए ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटिए कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कुछ ने नहीं किया तो करते करते हमने उस उस दिशा में कदम जारी रखे और आज मुझे वरुण जी ने बताया है कि आप लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए हैं दैट्स फंटेस्टिक दैट इज़ एन टेक्निक अब इस छोटे ग्रुप में हर एक आदमी एक दिन का चेयरमैन बनेगा या मॉनिटर बनेगा या हेड बनेगा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रोटेट करते जाएंगे और जिस दिन आप वो मिलेंगे उस दिन उस ग्रुप में उसका एक एजेंडा रखेंगे कि आज हम टीएटी डिस्कस करेंगे आज हम जीटीओ की ग्रुप डिस्कशन करेंगे आज हम ग्रुप टास्क फाइनल ग्रुप टास्क डिस्कस करेंगे आज हम लेट्स से सेल्फ डिस्क्रिप्शन डिस्कस करेंगे तो इस तरह से आप बांट के आपस में काम शुरू करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा अभी आप सोचोगे सर हमें तो कुछ पता नहीं इसके बारे में तो मैं आपका मॉडरेटर बैठा हूँ ना आपके जो डाउट्स उस ग्रुप में कलेक्टिवली आ रहे हैं आप सब कहते हैं यार ये बात तो समझ में नहीं आई तो आप उसको लिख कर मेरे से बात करेंगे तो मैं फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा इस तरीके से आपकी जो ग्रुप मैंटालिटी है वो बन जाएगी और आप ग्रुप में हमेशा लीडर इमर्ज हो के आएगा और जैसे आप लीडर इमर्ज करोगे अपने आप को तो वो पंद्रह क्वालिटीज एक के एक करके आप में आपस में डलती चली जाएंगी मैंने आपको कई बार स्टोरी सुनाई है मैं दोबारा सुनाता हूँ आपको खरगोश और कछुए की कहानी सुनाई हुई मैंने ऑलरेडी तो उसमें कोई है जिसने नहीं सुनी हुई पहले से एनी बडीज नॉट हर्ड द स्टोरी टेल मी टेल मी अनम्यूट अन्यूट अच्छा ओके यू हैवन हर्ड आई क्विकली टेल इट इन अ शॉर्टर वर्जन अदरवाइज द स्टोरी इज अवेलेबल इन द यूट्यूब आप वरुण जी से इनका उसका पर्टिकुलर वीडियो का लिंक ले लीजिए तो उसको अच्छी तरह स्टडी करिए उसमें इसके स्टोरी के चार भाग हैं और चारों भाग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें क्या लर्निंग्स हैं वो दे रखी हैं बट अभी इन अ शॉर्ट थिंग जब हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं ग्रुप के क्या फ़ायदे हैं तो मैं आपको ब्रीफ में आपको ये थोड़ा बताता हूँ कि पहली बार खरगोश और कछुए की रेस हुई तो कछुआ जीत गया तो आपको पहला लेसन दे दिया गया स्लो एंड स्टडी विन द रेस फिर खरगोश ने बोला भाई मैं कैसे हार गया हार तो मैं मानूंगा नहीं तो सेकंड टाइम जब टाइम और बढ़ा तो खरगोश ने फिर रेस लगाई अपना अच्छा चली खरगोश जीतेगा क्योंकि वो अपनी गलतियों को दो नहीं दोहराएगा अपनी कमियों को देखेगा तो वो करके सेकेंड पार्ट में आ गया थर्ड में दुनिया और आगे बढ़ी तो एक जो बाहर वाला आदमी था वो देख रहा था उसने बोला कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए अगर आपने रेस लगानी है तो सबके लिए डिफ़िकल्टीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ बराबर होनी चाहिए तो उन्होंने बोला ट्रैक आधा पानी होगा आधा ज़मीन होगी पानी पे कछुआ तैर सकता है ज़मीन पे खरगोश तेज़ दौड़ सकता है तो चौथा पार्ट उन्होंने क्या किया कि अब क्या करें हम सबको विनर बनना है तो उसने बोला तुम्हारी कमी है जमीन पे तो ज़मीन पे मैं तुम्हारी कमी को दूर करता हूँ अपनी पीठ पे उठा लेता हूँ मेरी कमी है मैं पानी में कि मैं पानी में नहीं तैर सकता तो पानी में तुम तैरो मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़ जाता हूँ तो दोनों ने एक दूसरे से कोऑपरेशन की इसकी कमी और इसकी स्ट्रेंथ को एक सिनर्जाइज किया आपस में मिलाया और दोनों को दोनों फाइनल लाइन पे फिनिश लाइन पे जा करके विनर्स बन गए उसी तरह से अगर चार या पाँच या छः या दस का आप ग्रुप बनाते हैं एंड ऑल टेन ऑफ यू कोऑपरेट विद ईच अदर तो ऑल टेन कैन बी विनर्स एस एस बी में यह नहीं बोला कि भाई इसमें सात लोग की, की वैकेंसी है या दस पास होने हैं या पंद्रह पास होने हैं या दो पास होने हैं अगर साठ का बैच है तो साठ के साठ पास हो सकते हैं प्रोवाइडेड यू कोऑपरेट विद ईच अदर यू सिनर्जाइज योर एफर्ट्स विद ईच अदर एक चीज़ आप सिखाओ एक चीज़ मैं करता हूं हम मिलके करते हैं उसी में हम ज हम मिल के के टास्क भी करेंगे हम मिल कर के जो अपने साइकोलॉजिस्ट के टास्क हैं उनको सीखेंगे और हम मिल कर के डिसाइड करेंगे कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने हमारी क्या स्ट्रैटी होनी चाहिए और इसमें इसका जो सूत्रधार है इसका जो गाइड है इसका जो मार्शल है वो मैं हूँ जहाँ पर आप गलती करोगे वहाँ मैं आपको करेक्ट करूँगा और मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये बात आप ठीक तरीके से समझें और ठीक तरीके से करें तो आपको पेड वर्जन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है यू विल क्लियर एस एस बी ओनली एंड आई गिव यू नाइन्टी परसेंट इश्योरेंस बट आप लोग मेरी बात सुनते नहीं हो अभी मुझे एक कम से कम आई थिंक छः आठ दस मीटिंग आपके साथ हो चुकी हैं तो मैं जान बूझ के मैं बोल रहा हूँ जान बूझ के टी ए टी के आगे नहीं बढ़ाऊँ अब ये टी ए टी के मैंने कुछ स्टोरीज लिखवाई हैं आ, इसको लिखा है गीतांजलि ने डन अ गुड जॉब वेल डन बेटा गीतांजलि एंड इसको Thank कुछ you, और उसके आगे किया है अस्प्रिया ने तो ये ये एक आपने दोनों लड़कियों ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है कोऑपरेशन दिखाई है कि भाई हम ग्रुप में हैं हमें सेलेक्ट किया गया हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वी कैन डू इट फैक्टर टू फैक्टर थ्री ठीक है बट अभी हम इसको डिस्कस करेंगे ओके दिस इज द पिक्चर ओके आई डोंट वांट यू टू मेक अ स्टोरी हम सिर्फ मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे मैं वो पंद्रह करोड़ के चेक की बात कर रहा हूँ इस वक्त आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड फिफ्टीन करोड़ चेक फिफ्टीन करोड़ चेक इज पंद्रह ओल क्यूज हाउ विल दे गो इन टू द थिंग दैट इज वट आई एम डिस्कसिंग तो मेक अ गुड मेंटल नोट ऑफ इट आफ्टर आई फिनिश विद द मैकेन आल आस्क यू योर स्टोरी तो आपने लिखना नहीं है जो माइंड में आता है बोल देना ठीक है एक एक करके वॉट एवर टाइम इज ओके कैन वी हैव द नेक्स्ट वन क्या स्टोरी लिखी है सो वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एज कि मैंने आपको बोला था कि स्टोरी लिखने से पहले हमने पहला एक बनाना है फॉर्मेट जो बना हुआ आपके सामने लिखा हुआ हीरो थीम सेकेंडरी करेक्टर एप्रिसिएशन ना अंजलि सॉरी गीतांजलि ये जो मैंने आपकी किताब में जो बनाया था दैट फॉर्मेट वाज नॉट एज पर दिस उसमें फर्स्ट फॉरम था हीरो का अलग कॉलम था थीम का अलग कॉलम था देन नेक्स्ट कॉलम वाज रिसोर्सेज

नहीं बेटा ओके लेट्स नॉट वेस्ट टाइम नाउ लिसन टू मी ऐसे जैसे ही आपने बनाया ना ये कॉलम्स ऐसे ही बनाना है फर्स्ट खाना वुड बी हीरो सेकंड शुड बी थीम थर्ड शुड बी रिसोर्सेस फोर्थ शुड बी सेकेंडरी कैरेक्टर एंड फिफ्थ शुड बी एप्रिसिएशन तो जैसे ही आप पिक्चर देखेंगे पिक्चर देखने के बाद आपने ये पांच कॉलम्स भरने हैं कि इसमें हीरो कौन है अंजलि हीरो है या मेजर वुहान हीरो है जस्ट राइट दैट ओनली थीम क्या है थीम आपने डिसाइड किया है कि ये टेररिस्ट के शूट आउट में इंजर्ड हैं और उनको बचाना है सो थीम इज रेस्क्यूइंग अ पर्सन हु हैज बिन शॉट डाउन बाय द टेररिस्ट थर्ड वाज रिसोर्सेज जो शॉट डाउन शूट डाउन शॉट डाउन पर्सन आपके सामने पड़ा हुआ है इसको बचाने के लिए क्या चाहिए मुझे मुझे फर्स्ट एड किट चाहिए मुझे एम्बुलेंस चाहिए मुझे डॉक्टर्स चाहिए मुझे पानी चाहिए पिलाने के लिए मुझे पंखा चाहिए उसको देने के लिए मुझे कंबल चाहिए उसको कवर करने के लिए फिर मुझे मोबाइल चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए तो राइट डाउन द लिस्ट ऑफ रिसोर्स देन नेक्स्ट नेक्स्ट इज सेकेंडरी कैरेक्टर्स वहाँ पे जो रिसोर्स आपने लिखा है उस रिसोर्स का आगे लिखिए मोबाइल विल भी ऑपरेटेड बाय अनु फर्स्ट एड विल बी ब्रॉड बाई विजय एम्बुलेंस विल बी कॉल्ड बाई राकेश डॉक्टर विल बी डॉक्टर वर्षा ओके एम्बुलेंस ड्राइवर विल बी रजू, तो ये इस तरीके से लिखिए एंड फाइनली अप्रिशिएट में लिखिए कि द लाइफ वॉज सेव्ड एंड द बेयर द सी ओ ऑफ द यूनिट और द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गेव यू शाबाशी एंड सेड कि बाकी लोग भी इसका एग्जाम्पल फॉलो करें हैव यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट वन नाउ फॉर्मेट so फॉर्मेट format. Format मैंने आपको बना के दिया है यही आपके सामने जैसा गितांतली ने लिखा है Only thing is, तीन के पांच कॉलम बनाइए फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम इज थी फोर्थ कॉलम इज सेकेंडरी कैरेक्टर्स एंड फिफ्थ इज एप्रीसिएशन एंड फिल दिन कहानी लिखनी शुरू नहीं की है अभी आप सिर्फ पिक्चर को देख रहे हैं पिक्चर को देख के आप सोच रहे हैं अपनी असेसमेंट कर रहे हैं कि इसमें हीरो कौन होना चाहिए अंजलि के वुहान वुहान भी तो टेररिस्ट से लड़के आया है वो भी हीरो हो सकता है अंजलि भी हीरो हो सकती है अब वुहान ने कुछ काम किया है देश की रक्षा की है वो थीम हो सकता है या अंजलि वुहान की जान बचा रही है वो थीम हो सकता है तो वो थीम लिखिए देर आफ्टर रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए एज आई सेड राइट फर्स्ट इज एम्बुलेंस फर्स्ट सेकेंड इज फर्स्ट एड थर्ड इज़ वाटर फोर्थ इज़ फैन फिफ्थ इज मोबाइल सिक्स इज पुलिस स्टेशन वॉट एवर इस तरीके से वो उनको लिस्ट कीजिए अब रिसोर्सेज आ गए फिर नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी कैरेक्टर्स हर एक रिसोर्स विल बी डन डों मैंने आपको बोला था सब काम खुद नहीं करना है खुद आप सिर्फ अपने आप को एज ए लीडर रखो हु इज गिविंग ऑर्डर्स टू अदर्स इंस्ट्रक्शन पे तुम ये करो तुम ये करो तुम ये करो एंड देन फाइनली अप्रीसिएशन इज दैट पॉइंट अंडरस्टूड बाय यू ऑल तो ये अभी आपको एक पिक्चर अभी दी जाएगी जिसका मुझे शाम तक आंसर चाहिए ओके तो दिस इज द फर्स्ट थिंग एंड सेकेंड थिंग इज सेकेंड फॉर्मेट अभी आपने रिसोर्सेज वगैरह लिख लिया अभी भी आपने कहानी लिखनी शुरू नहीं की है कहानी लिखनी आपने अभी शुरू करनी है तो अभी एक और फॉर्मेट बनाएंगे जैसे इन्होंने बनाया इंट्रोडक्शन ऑफ द हीरो तो इसमें लिखा अंजलि इज द वाइफ ऑफ मेजर विहान ये इंट्रोडक्शन है बट मेरे ख्याल में कम है अंजलि इज वाइफ ऑफ मेजर विहान हु वॉज एम्प्लॉयड एज ए डॉक्टर इन बेस हॉस्पिटल इन द आर्मी एंड शी वॉज सर्विंग इन श्रीनगर तो ये होगी डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन ऑफ द हीरो मेजर वोहान इज एन आर्मी ऑफिसर ऑफ ट्वेंटी थ्री राष्ट्र राइफल्स पोस्टेड एंड श्रीनगर एंड ही वॉज एंड श्रीनगर इन एन सोन सो प्लेस तो ये हो गया इंट्रोडक्शन द फर्स्ट कॉलम वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ द हीरो सेकेंड वॉज इसको यहाँ लिखा है वॉट लेट दिचुएशन इज बेसिकली सेटअप सेटअप आप लिखिए इसको सेटअप में है कि वो कैसे वो जो सिचुएशन सामने है कि एक आदमी बिस्तर पे पड़ा हुआ है दूसरी लेडी उसके सामने बैठी हुई है वो सेटअप कैसे हुआ अब वो हुआ कि वुहान मेजर वुहान था उसको कहीं खबर मिली कि कहीं पे टेररिस्ट हैं वो उन पर गया टेररिस्ट को मारा और उनको जब टेररिस्ट को मारने मार पकड़ रहे थे या मार रहे थे तो उनको भी गोली लग गई तो उनको वैक्यूकेट करके बिस्तर पर लटाया हुआ है और फिर अंजलि को बुलाया गया आप भाई आपके हस्बैंड या आपके यूनिट के जवान या आपके यूनिट के ऑफिसर इंजर्ड हैं तो वो एज ए डॉक्टर उसको आगे देखने आई है तो दिस इज दिस सेटअप कि वो सिचुएशन कैसे बनी क्या हुआ था उसके बाद अब जब उसने वहाँ आ गई है तो देन इज स्ट्रगल अब स्ट्रगल इज़ कि मैं यहाँ आ गई हूँ मेरे सामने कैजुलटी है ना हाउ डू आई सेव दिस कैजुअलिटी इसको पहले मैं फर्स्ट एड दूंगी पहले इसका मैं पट्टी करूंगी फिर मैं इसको ऑक्सीजन दूंगी इसको पानी दूंगी पंखा जलाऊंगी ठंड लग रही है तो कंबल दूंगी फिर मैं उसको यूनिट को फ़ोन करूंगी किसी को बोलूंगी एम्बुलेंस लेके आओ किसी को बोलूंगी ये करो किसी को बोलूंगी लाइफ सेविंग सिचुएशन ले आओ तो ये आपने रिसोर्सेज लिख रखे हैं सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी लिख रखे हैं तो अभी ये जो स्ट्रगल पार्ट है उसमें आप अपनी कहानी लिखिए तीन या चार लाइन एंड देन फाइनली यू वैक्यूएटेड दॉस्पिटल वहाँ पर ऑपरेशन करके जान बचा ली या जो भी करना था कर लिया तो इस तरह से फर्स्ट विल भी इंट्रोडक्शन ऑफ द हीरो सेकेंड विल भी सेटअप सेटअप में आप लिखोगे वॉट लेट टू दिचुएशन देन विल भी स्ट्रगल वॉट एक्चुअली यू डिड देर आफ्टर एंड फाइनली योर अप्रिसिएशन तो इसमें तीन तीन चार काम किया है तो यहाँ आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कमेंडेशन मिल सकता है यहाँ आपको डायरेक्टर uh, जनरल की अप्रिसिएशन मिल सकती है यहाँ आपको कमांडिंग ऑफिसर की शाबाशी मिल सकती है तो उस किस्म के जो हैं आपके कॉल uh, रिवॉर्ड uh, उसको वहीं तक सीमित रखो तो अभी हैज सो फार एवरीबडी अंडरस्टूड सो फार कि पहले हमने पिक्चर देखी स्टडी किया तो पहला हमने क्या कौन, कौन बनाया था फॉर्मेट फर्स्ट वाज हु शुड बी द हीरो सेकंड इज व्हाट शुड बी द थीम थर्ड इज

और डिपेंडिंग ऑन द जो आपने थीम सेलेक्ट किया है तो उसमें क्या हुआ होगा तो वो तीन लाइन है वो आपने लिख दी और अभी वो हो गया है एंड द लेडीज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द जेंट तो अभी आगे इसका स्ट्रगल तो मैंने बोला था ना थीम सेलेक्ट करना कैलोमिटी अर्जेंसी एक एक डिफिकल्ट सिचुएशन इसलिए आई एम यूजिंग द वर्ड स्ट्रगल सो हाउ डज द पर्सन स्ट्रगल टू सेव द लाइफ तो वो उसकी तीन या चार लाइनें आप लिखिए और फाइनल में उसको एक एक हैप्पी एंडिंग दीजिए सक्सेसफुल एंडिंग दीजिए और एंड में अपनी अप्रिसिएशन लिखिए तो ये बाय लार्ज आपकी कहानी तैयार है अभी इसी कहानी को आप अलग से लिख कर लिखिए तो दैट तो विल बी योर थर्ड दिस थिंग जब ये कहानी रेडी हो गई है तो अभी उस कहानी को देख करके आप जो फाइनल ओ एल क्यूज वाला पंद्रह करोड़ का जो चेक है आपके सामने जो पड़ा है इसको देखिए आप और इसके आगे अपनी कहानी से एक एक सेंटेंस निकाल के या एक एक आइडिया निकाल के इसमें हर क्वालिटी के सामने भरना शुरू करिए जैसे इन्होंने किया है इफेक्टिव इंटेलिजेंस में तो इन्होंने खाली छोड़ दिया इंटेलिजेंस थी तभी तो उन्होंने से थीम सेलेक्ट किया ना अच्छा थीम सेलेक्ट किया तो इंटेलिजेंस यस yes. तो रीजनिंग एबिलिटी शी वॉज वेरी अपसेट बट शोड अ ब्रेव फेस नो रीजनिंग एबिलिटी में आपने लिखना है कि शी कुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन देर आफ्टर शी डिसाइडेड कि पहले इसका फर्स्ट एड करना है देन इसका ये करना है फिर ये करना है दैट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज द रीजनिंग एबिलिटी ओके देन इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड शी वाज़ देर शी न्यू आई कैन डू इट सो ये एक्चुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ कैसे आ गया बेटा ये इसको फैक्टर वन टू थ्री फोर की जो एक्चुअल क्वालिटी है उसी के हिसाब से लिखो व्हाई आई एम सेग इज कि फैक्टर वन इज टोटली ऑफ योर माइंड दैट इज योर इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी एंड योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ पावर ऑफ एक्सप्रेशन दीज ऑल माइंड क्वालिटीज सेकंड सेकंड फैक्टर इज सोशल एडजस्टेबिलिटी तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ सोशल दिस थिंग एंड लीडरशिप की सोशल एडजस्टमेंट की तो अडेप्टबिलिटी आपकी कोऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देन देन फैक्टर थ्री इज योर लीडरशिप क्वालिटीज जिसमें फर्स्ट इज योर इनिशिएटिव देन इज योर कॉन्फिडेंस पार टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप एंड देन इज योर लाइवलीनेस देन फैक्टर फोर इज योर स्टैमिना करेज एंड इनिशिएटिव उसमें डायनामिज्म तो ये उसी सीक्वेंस में आप इसको लिखिए और उसको भरिए तो जब आप उसको भरोगे तब आपको समझ में आएगा कि मेरी कहानी में मैंने तो कॉपरेशन वाली बात ही नहीं करी देन यू विल अबेंड यूर स्टोरी उसमें कॉपरेशन भी डालोगे फिर आप सडनली आपको लगेगा इसमें मैंने तो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप वाली का कहीं बात ही नहीं आई तो आप उस स्टोरी को उसको इम्प्रूव करोगे तो इस तरह से ये टेबल में जब आप अपनी स्टोरी की चीज़ें इसमें भरोगे जो जो चीज़ जो जो क्वालिटी खाली रह जाएगी उसको देख के आप अपनी स्टोरी को मैंट करोगे और इसको भरोगे तो आपकी स्टोरी एक परफेक्ट स्टोरी बन जाएगी एंड दिस स्टोरी इज़ नॉट ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड टी ए टी दिस इज़ मेक यू अंडरस्टैंड एवरी थिंग चाहे वो आप जी टी ओ के सामने खड़े हैं वहाँ पर अपना दिमाग लगा के जब आप एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को उसका सोल्यूशन निकालने के लिए वहाँ पर भी यही काम आएगा जब आप आईओ के सामने आईओ आपको कोई सिचुएशन देगा कोई डिफिकल्ट चीज़ पूछेगा आपको वहाँ पर भी यही काम आएगा साइकोलॉजिस्ट की अगर आपकी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है वो भी यहीं काम आएगी तो जो भी चीज़ एस में होगी जब आपका ये पंद्रह करोड़ का चेक आप अपनी जेब में इसको डाल लेंगे या अपने माइंड में डाल लेंगे तो आपकी हर एक एस का जो क्वेश्चन uh, पेपर है या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं जो प्रॉब्लम जो आपको दी जाती हैं आप उसको करेक्टली इसको डिसाइफर करेंगे हैज दैट बीन अंडरस्टूड शुड आई इट वंस अगेन Should I repeat it? Okay. Now who Who takes the responsibility? Who will tell me the correct uh, this thing? जो bhi gitanjali ने काम किया था बहुत अच्छा काम किया है but we have refined gitanjali's work even further. तो so, वो refined वाला जो work है वो कितनी देर में मुझे मिल जाएगा Purpose होता है वहाँ पे फिल्म का purpose था वो कोई सामाजिक बुराई या सामाजिक अच्छाई आपको दिखाना चाहते हैं और उसके बाद वो पैसे कमाना चाहते हैं और फिल्मों का भी था कि दे हैव अ थीम एंटरटेन यू एंड गिव यू अ हैप्पी एंडिंग यहाँ पे हमारा थीम डिफरेंट है यहाँ पे आई एग्री विद वॉट पॉइंट यू ब्रॉट आउट इज़ परफेक्टली करेक्ट बट अभी इस वक्त हमारा जो एम है हमारा जो जो अर्जुन ने चिड़िया की आंख मछली की आँख देखी थी वो हमारी ये है एस एस बी एस एस बी में कौन बंदे हैं साइकोलॉजिस्ट जी टी और इंटरव्यंग ऑफिसर अभी हमने सिर्फ इन तीनों की चीज़ों को एड्रेस करना है कि इनकी क्या प्रॉब्लम है इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो रिक्वायरमेंट्स गलत हैं सही हैं एथिकल हैं इंटेलेक्चुअल हैं नॉन सेंसिकल हैं उसको हमने नहीं देखना है अभी ये जो मैं एक पैटर्न बना रहा हूँ ये मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ या आपको टैंपलेट्स दे रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आप इस टेम्पलेट की मदद से ही काम करें ताकि आप दाएँ बाएँ ना जाएँ आप आप अपना माइंड लगाएं सिर्फ इसी डायरेक्शन में वो पंद्रह करोड़ का जो चेक जो आपसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर जी और साइकोलॉजिस्ट ने आपसे मांगना है वो आपके माइंड में है ठीक है सो so, इसलिए जो भी आपने पिक्चर बनानी है वो पिक्चर टू बी अ क्राइसिस सिचुएशन हैज टू बी अर्जेंट सिचुएशन जिसमें एक अर्जेंसी की जरूरत है मेड माइ सेल्फ क्लियर गीतांजलि सो नो यू वॉट यू डू इज आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर ब्रेन ऑन ऑन द मैकेनिक्स दैट आई हेव ऑलरेडी डन इट यू यूज योर ब्रेन टू फिल इन दोज ब्लैंक्स ये जो फॉर्मेट आपने मैंने आपको दिया है पहले फॉर्मेट में आप सिर्फ देखोगे पिक्चर देख करके उसमें आप टे आई डोंट सेट फॉर थ्री मिनट ये पिक्चर जो है ना इसको अगर आप फोटो खींच लो इसकी अपने पास रखो सीट फॉर हाफ एन आवर वन आवर सोचते रहो इसके बारे में फिर देखो इसमें हीरो कौन बनेगा फिर देखो इसका थीम क्या हो सकता है फिर देखो इसको थीम को अगर करना है तो हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए फिर देखो उनको लिखो फिर देखो हर रिसोर्स के लिए मुझे कितने सेकेंडरी कैरेक्टर्स चाहिए एक आदमी वो काम करेगा या दो आदमी करेंगे या तीन आदमी करेंगे उनके नाम लिखो फिर उसके बाद उन उसकी उसके बाद लिखो कि उसकी शाबाशी कैसे होनी है फिर उस कहानी को बनाओ और बनाने के लिए सबसे पहले उसके हीरो की डिस्क्रिप्शन लिखो पहले कॉलम में फिर उसके बाद लिखो सेटअप सेटअप में लिखो वॉट वॉज क्या हुआ कि ये सिचुएशन आई फिर उसके बाद लिखो स्ट्रगल कि अब मैं स्ट्रगल को उठाओ अपने रिसोर्सेज उठाओ अपने सेकेंडरी uh, कैरेक्टर्स उनकी मदद से खुद लीडर बन के वो स्ट्रगल वाली सिचुएशन को लिखो फिर उसके बाद शाबाशी दो फिर जब ये ये सेकेंड फॉर्मेट तैयार हो जाता है अब इसकी मदद से आप अपनी कहानी लिखो जो 10 या 12 लाइनों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और फिर जब ये कहानी तैयार है फिर वो नेक्स्ट टाइम 15 करोड़ का चेक जो है उसको भरना शुरू करो तो जहां जहां पे आपको लगा भाई इसमें मैंने इनिशिएटिव वाली तो कोई चीज़ दिखाई नहीं तो वो कहानी को मैंट करो और उसको भरो फिर जब आपकी ये पंद्रह की पंद्रह क्वालिटीज़ भर जाएंगी तो आपकी एक परफेक्ट स्टोरी बन जाएगी अब इस स्टोरी को लिखने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं लेट इट लेट इट टेक हाफ एन आवर लेट इट टेक वन आवर टू राइट डजेंट मैटर ठीक है बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये अपने आप टाइम घटता चला जाएगा आप इसको ढाई मिनट में लिखोगे दो मिनट में लिखोगे और करेक्टली लिखोगे और नॉट ओनली दैट ये करेक्टली लिखने के बजाय जब आप साइकोलॉजिस्ट के दूसरे टेस्ट में जाओगे या आईओ के टेस्ट में जाओगे या जीटीओ के टेस्ट में जाओगे वहां पे भी यही प्रक्रिया आपके माइंड में ऑटोमेटिकली होगी जो काम आएगी गीतांजलि है yes, तो इसलिए इस वक्त आप टेम्पलेट बाजी पर काम आओ ये जो चार हमने टेम्पलेट बनाए हैं इसी के हिसाब से करो सो डोंट डिविएट फ्रॉम दीज टेम्पलेट्स फर्स्ट फिलऑफ द कि क्या थीम है क्या हीरो है क्या सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं क्या रिसोर्सेज हैं फिर उसके हिसाब से हमने हीरो की डिस्क्रिप्शन सेटअप स्ट्रगल अप्रिसिएशन सक्सेस वो कॉलम एंड देन यू राइट अ स्टोरी एंड देन उस स्टोरी को देख करके इन दो फिफ्टीन कॉलम्स जो ब्लैंक रह गया उस उस कॉलम को उस उस पर्टिकुलर क्वालिटी को लेके एक लाइन ऐड करो अपनी स्टोरी में तो करते करते आपकी स्टोरी पूरी हो जाएगी और आपके कॉलम्स पूरे हो जाएंगे Or within one hour, if you do it, we will have it from you and then we will discuss it again. Okay, Nitin has a doubt. Yeah, bolo, Nitin. Sometime. Yeah, Nitin, Bolo. Sir, sir, as you said, in every story we have to introduce a crisis like situation. If the picture itself is having the characters therein all are happy, then how can we introduce a crisis like situation? And another thing is, uh, you said all the factors to be included. That is, factor one, factor two, and factor three, and factor four. Uh, of course, site design uh, uh, means where uh, no one will disturb you. It is a non-interactive technique. Of course, I understood. But in case of interview and uh, GTO, there uh, we can't keep remembering all these factors unless and until uh, we develop our personality. And one more thing is that uh, the third point is.

Okay, keep asking me questions, but follow my format strictly. Hanji Bolo. Yes, sir. Sir, uh, how should we do well in the OIR test? Forget about that, we will talk about it later. टू आज का सेशन वी वी ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग आई ट्राई एक्सप्लेनिंग टू यू व्हाट इज द मैकेनिक्स ऑफ एस एनएलपी कैसे काम करती है आपके माइंड में से फियर कैसे निकालना है आपने जग हसाई का माइंड अपने दिमाग से कैसे निकालना है और ये पंद्रह करोड़ का जो चेक है ये आपने दिमाग के माइंड में कैसे डालना है उसमें मैं आई एम गिविंग यू विद द हेल्प ऑफ टी ए टी सो यू स्टिक टू दिस फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया है ये कहीं पे नहीं है जो मैं बता रहा हूँ प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट फॉर्मेट इज फर्स्ट फार्मेट इज वैन यू लुक एट दिक्चर फर्स्ट हैडिंग इज हु इज द हीरो सेकंड हैडिंग इज वॉट इज द थीम थर्ड हैडिंग इज वॉट आर द रिसोर्सिज रिक्वायर्ड टू डू दैट थीम फोर्थ हैडिंग इज वू आर द सेकेंडरी कैरेक्टर्स हु विल बी यूजिंग दो रिसोर्सेज टू डू योर वर्क एंड फाइनल इज एप्रिसिएशन दैट इज फर्स्ट फॉर्मैट जब ये आपने बना लिया इसके बाद आप बनाएंगे नेक्स्ट फार्मेट फर्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ हीरो यूल राइट वॉट इट इज Then next is setup. Okay, what led to that situation? You write four lines on that. Then next is struggle. Like how did he uh, uh, finally accomplish that thing? And that accomplishing thing is he, you pick up the secondary characters and the resources from the previous format and write from here. And final is your success and appreciation. And then from there you will write the story. And then you will write the uh, what do you call 15 qualities factor wise factor 1, factor 2, factor 3. फैक्टर फोर एंड सडनली वैन यू रियलाइज कि आपने फैक्टर एक एक कोई कम पड़ गया है तो उसको आप अपनी कहानी को अमेंड करेंगे और जब ऐसे करते करते उस, उसी जो आप कहानी, कहानी अमेंड करेंगे उसमें जो फैक्टर डालेंगे उसी चीज को आप यहाँ फिर लिखेंगे और इस तरह से आपकी स्टोरी पूरी हो जाएगी लेट इट टेक हाफ एन आवर टू राइट लेट इट टेक वन आवर टू राइट डोंट वरी इज दैट अंडरस्टुड तो अभी अभी ये जो पिक्चर आपके सामने है इसकी आप फोटो ले लीजिए अपने मोबाइल से जो भी करना है कर लीजिए या वरुण सर को बोलिए कि इसको ग्रुप में डाल दे वहाँ पे देख लीजिए इसको देख करके विद इन वन आवर आई एक्सपेक्ट द स्टोरी इन टू दिस फोर फॉर्मेट्स दैट आई गिवन यू फर्स्ट फॉर्मेट उसके कंटेंट्स क्या है सेकेंड फॉर्मेट उसका प्रोसीजर क्या है थर्ड फॉर्मेट द स्टोरी इट सेल्फ एंड फोर्थ इज़ फिफ्टीन करोड़ चेक टू बी डिपॉजिटेड इन योर माइंड ये पंद्रह करोड़ का चेक जो आपके माइंड में डालना है वो मुझे फाइनल चाहिए इज दैट ऑल राइट ओके ओके देन ऑल ऑफ यू वर्क ऑन इट एंड गेट द सोल्यूशन विद इन वन आवर्स टाइम एंड वील कॉल इट ऑफ एंड एनी अदर क्वेश्चन दैट यू हैव यू कैन पुट इट ऑन द नेट आई विल ट्राई एंड आंसर दैट थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट एंड यू विल श्योरली डू एस एस बी टेक इट फ्रॉम मी बट ओनली थिंग इज यू हैव टू लिसन टू मी